हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो वेमेंस प्रीमियर लीग यानी महिला आईपीएल के सबसे पहले एक्शन की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने की थी। एक्शन में सबसे पहला नाम जो कि स्मृति मंदाना का आया था और उनके पीछे बेंगलोर भी पड़ गई थी। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो बेंगलोर ने आखिरकार स्मृति को 3.40 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया और वहीं इस महिला आईपीएल की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। आरसीबी ने अपने टीम में स्मृति को अलावा भी कई स्टार खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। सभी टीम के अगर जो बात करें तो सभी टीम के पर्स में कुल 12 करोड़ रुपए थे। आरसीबी ने कुल जो कि 11.90 करोड़ रुपए खर्च किए और 10 लाख रुपए उनके पर्स में भी बच गए। इतने रुपए में आरसीबी की टीम ने कुल 18 खिलाड़ियों को खरीदा था, जिसमें 12 भारतीय तो 6 विदेशी खिलाड़ियों को भी शामिल किया था। फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात कर तो आरसीबी के बल्लेबाज और विकेट कीपर बल्लेबाजी ग्रुप में उनकी टीम में स्मृति मंदाना के साथ दिशा कष्ट है और जिन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा विकेट कीपर ग्रुप में आरसीबी ने जो कि चर्चा घोष किया को 1.90 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। उनके अलावा आरसीबी ने इंदिरा राय के रूप में 10 लाख रुपए में एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर भी अपने टीम में शामिल कर लिया है। वहीं फ्रेंड्स, आरसीबी के विदेशी ऑलराउंडर्स की बात करें तो तीसरे यानी ऑलराउंडर ग्रुप की बात करते हैं। इस ग्रुप में आरसीबी ने 9 खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल किया है और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को भी 1.70 करोड़ रुपए की, जो कि सोफी डिवाइन को भी 50 लाख रुपए, हैदर नाइट को भी 40 लाख रुपए में खरीदा और एनिन बर्न्स को भी 30 लाख रुपए, डाने वेन निकर को 30 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। ऐसे में आरसीबी के पास जो कि 5 ऑलराउंडर विदेशी भी हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की स्क्वाड की पूरी बात करें तो स्मृति मंदाना, दिशा कसट, सिचा घोष, इंदिरा राय, एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, हैदर नाइट, एरिन बर्न्स, डाने वेन निकर, श्रियंका पाटिल, पूनम खेमनर, आशा सोबाना, कनिका आहूजा, रेणुका सिंह ठाकुर, प्रीति बोस, कोमल जैन सद, सहाना पावर, मैगन सुचित, यह फ्रेंड्स आरसीबी की जो की स्क्वाड। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो महिला आईपीएल के पहले सीजन के लिए ऑक्शन की जो की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब यह जानने का वक्त है कि किस टीम के पाले में कौन सा खिलाड़ी गया है, किस टीम ने वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में स्मार्ट बाय किया है और कौन सी टीम फ्रेंचाइजी फिसड्डी रह गई है। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो यूपी वॉरियर्स की स्क्वाड की बात करें तो यूपी वॉरियर्स की पूरी टीम जो कि दीप्ति शर्मा, अगर जो इनकी बात करें तो 2.6 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं और सोफी एक लेस्टन जो कि 1.8 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, ताहिला मेरगा और वहीं देविका बैद, शबनम इस्माइल, ग्रेस हैरिस, एलिसा हेली जो कि एलिसा हेली को 70 लाख रुपए में खरीदा गया, अंजलि सरवनी, राजेश्वरी गायकवाड़, श्वेता सहरावत, किरण नौगीरा और लारेन बेल, पासवर्बी चोपड़ा, एस यसरी, लक्ष्मी यादव, सिमरन शेख। फ्रेंड्स, यह है यूपी वॉरियर्स की टीम। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात करें तो दिल्ली का वोमेन प्रीमियर लीग का फुल स्क्वाड जेमिमा रोडिंग्स, मैग लेनिंग, सैफाली वर्मा, राधा यादव, शिखा पांडे, मारी जैन कप, तीता साधु, एलिस कैसी, तारा नॉरिस, लॉरा हैरिस, जासिया अख्तर, मिनरू मड़ी, तानिया भाटिया, पूनम यादव, जेस जॉनसन, स्नेहा दीप्ति, अरुधती रेड्डी। यह है फ्रेंड्स दिल्ली वॉरियर्स की। वहीं फ्रेंड्स, अगर जो बात कर तो मुंबई ने 3 खिलाड़ियों पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
टीम ने सबसे ज्यादा पैसे जो कि साइबर को दिए हैं। इंग्लैंड की ऑलराउंडर को 3.2 करोड़ रुपए मिले हैं। वो ऑक्शन की जो कि रूप में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं। साइबर 200 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। उनके अलावा भारत की तेज गेंदबाज पूजा वर्तकार को भी 1.9 करोड़ रुपए मिले हैं। तो वहीं MI ने जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी 1.8 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। हरमनप्रीत जो कि WPL के पहले सीजन में मुंबई की कमान संभाली थी। वहीं फ्रेंड्स अगर जो बात करें मुंबई इंडियंस प्रीमियर लीग की स्क्वाड की बात करें तो हरमनप्रीत कौर, नताली साइबर, अमेलिया कैर, पूजा वर्तकर, यस्तिका भाटिया, हीदर ग्राहम, ईसा बेलबोंग, अमन जोत, धारा गुजर, साइका इसाक, हेले मैथ्यूज, क्लोइ ट्राइन, हुमेरा खाजी, प्रियंका बाला, सोनम यादव, चिंतमणि कलिता, वहीं नीलम बिष्ट। यह फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस प्रीमियर लीग की फाइनल स्क्वाड। वहीं फ्रेंड्स अगर जो बात करें तो वीमेंस प्रीमियर लीग के लिए सोमवार को प्लेयर ऑक्शन हुआ है। हर फ्रेंचाइजी के पास जो कि 12 करोड़ रुपए पर थे। दिल्ली कैपिटल्स ने काफी समझदारी के साथ खिलाड़ियों पर भी बोली लगाई थी। दिल्ली ने धाकड़ खिलाड़ियों को खरीद कर WPL के पहले सीजन के लिए अपना स्क्वाड तैयार कर लिया है। हर फ्रेंचाइजी अपने स्क्वाड में 15 से 18 खिलाड़ी रख सकती हैं और दिल्ली ने जो कि 17 प्लेयर खरीदे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विदेशी खिलाड़ियों के भी कोटा भी कंप्लीट कर लिया है। वहीं फ्रेंड्स अगर जो बात करें दिल्ली ने सबसे महंगी बोली पर भारत की स्टार बैटर जेमिमा रोड्रिग्स पर लगाई है। दिल्ली कैपिटल ने 50 लाख के प्राइस वाली जेमिमा को 2.2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। जेमिमा ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। उनके अलावा दिल्ली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि कप्तान सैफ अली वर्मा पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। दिल्ली ने सैफ अली को 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। और वहीं फ्रेंड्स अगर जो बात कर तो वीमेंस प्रीमियर लीग यानी महिला IPL के सबसे पहले ऑक्शन की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने की थी। ऑक्शन में सबसे पहला नाम जो कि स्मृति मंदाना का आया था और उनके पीछे बेंगलोर भी पड़ गई थी। बेंगलोर ने आखिरकार स्मृति मंदाना को जो कि 3.40 करोड़ रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। और वहीं इस साल की जो कि महिला IPL की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदाना ने बनी है। RCB ने अपने टीम में स्मृति के अलावा भी कई स्टार खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।